आप देख रहे हैं आसनसोल न्यूज, शिल्पांचल के हर सच्चाई से रहे रूबरू। कुल्टी, आए दिन लोगों को बिजली कट जाने से परेशानी का माहौल झेलना पड़ रहा है। जहां लगभग बिजली कट जाने से घंटों घंटों लंबे इंतजार के बाद बिजली आने का प्रतीक्षा रहता है, वहीं कुल कुल्टी के सीतारामपुर मस्जिद मोहल्ला में एक अनोखी घटना देखने को मिली, जहां बिजली का गति बढ़ने और घटने के कारण कल रात बिजली का वोल्टेज बढ़ जाने से मोहल्ले के कई लोगों का पंखा, टीवी, फ्रिज इत्यादि उड़ जाने की खबर आई है। आसपास के लोगों ने शिकायत करते हुए हमारे संवाददाता को बताया कि आए दिन ऐसी घटना इस इलाके में होती रहती है। अभी लॉकडाउन के समय हमारे बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है, जिसमें बिजली एक मुख्य भूमिका निभाती है, और बिजली ना होने के कारण हमारे बच्चे ठीक से ऑनलाइन पढ़ाई कर भी नहीं पा रहे हैं। ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर कि इस हालत को देखते हुए यह भी कहा कि ट्रांसफार्मर एक ही होने के कारण वोल्टेज का बढ़ना घटना लगा रहता है, जिसके कारण बिजली की मार झेलना पड़ता है। हम लोगों ने कई बार तीन को बल्ब उड़ गया था, डबल फेज आने के कारण। कब हुआ यह घटना? परसों रात में। इससे पहले आप लोग कंप्लेन किए थे? अरे कंप्लेन तो इतना दिए कि मीटर मेरा खराब है, आज एक महीना पहले दिए, अभी तक आईबे नहीं करा बनाने के लिए। बंद करने का मौका नहीं मिला, सारा पंखा, बत्ती, टीवी सब उड़ गया। अभी लाइन है या नहीं है? ना, अभी लाइन नहीं है। आज रात से भी वही वोल्टेज आई है, नहीं जरा बहुत रेबो करता तो पंखा लग रहा है, रात भर गली जोड़ दे रहा। कहाँ से इलेक्ट्रिक वाला वो जो ऑफिस वाला है ना, कहाँ से ले आया? मिस्त्री जानता उनता नहीं है। मेरा घर का दो को फ्रिज उड़ गया है, एक तो पंखा उड़ा है, महल्ला में भी उड़ा है, टीवी उड़ा है, किसी का मोटर उड़ गया पानी का। कितने दिनों से इस तरह की परेशानी हो रही है? मोटा मोटा एक महीने से हो रहा है, एक डेढ़ महीने से। आपका नाम क्या हुआ? विजेंद्र कुमार। कहाँ का निवासी है? बस सीतारामपुर, गांधीनगर। सब उड़ गया, लाखों रुपया का नुकसान हो गया, मस्जिद मोहल्ला, गांधीनगर, सब जगह। कंप्लेन जाके तो आदमी किया, अरे लॉकडाउन का मामला चल रहा है, बिल भी देना पड़ रहा है महामारी में, ऑनलाइन भी सही नहीं है, लड़का लोग पढ़ाई लिखाई खराब। चितरंजन में शुक्रवार रात आरपीएफ के जवान पंकज कुमार मंडल पर स्थानीय युवक कुणाल सिंह से कनपट्टे पर बंदूक लगाकर तीन सोने की चैन छीनने का मामला सामने आया है। ये घटना शुक्रवार रात करीबन 9:30 बजे की है। हथियार निकाला, राहुल सिंह ड्राइविंग कर रहा था, ये पंकज मंडल अंदर में बैठा हुआ था, हथियार निकाला, हमको बोला कि बहनचोदा तरह गोली मार दे। तो हम बोले कि गोली काहे मारिएगा भैया, हम क्या किए? अरे सानू वहाँ पर आया, बोला हथियार लो, मारा इसको गोली। तब तक उसका जो हथियार बड़ा था वो मेरे ऊपर निकाला, तब ऐसे करके पकड़े और उसको खींच कर छू लिए। आप कैसे बच के निकले वहाँ से? चित्रजन वहाँ से बच के ऐसे निकले भाई, यहाँ चेहरा में भी ऐसे करके बच के निकल गए। कैसे करके? गाड़ी मेरा दोस्त यार लोग था, उन लोग को हथियार दिए, गाड़ी नहीं किए, थाना बुलाए, हथियार दिए। मूव किया हुआ स्टाफ पंकज कुमार, नाम सुनते हैं हम लोग उनका है, वो पहले भी मारपीट करके आरपीएफ के साथ ही मारपीट करके रिमूव हुए थे, अभी फिर वो सस्पेंडेड है। वो स्टाफ आज शाम से ही हाथ में आर्म्स लेके कुछ रिवॉल्वर लेके घूम रहा है, और पूरे एरिया में दहशत का माहौल पैदा किया था।